नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे ब्रह्मांड में गुरु के पदवी पे विभूषित बृहस्पति महाराज रोहिणी को छोड़कर मृगशिरा में गोचर करने वाले हैं। जो बड़े ग्रह होते हैं ना, इनका नक्षत्र परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई ग्रह किसी राशि विशेष पे कैसे फल देगा, यह डिपेंड करता है कि वह किस नक्षत्र का प्रभाव लेके चल रहा है। तो गुरु महाराज मृगशिरा मतलब मंगल का प्रभाव लेके चलेंगे, मंगल की चीजें प्राप्त करेंगे और वो चीजें आपको प्रदान करेंगे लग्नानुसार, राशि के अनुसार। आज हम बात कर रहे हैं मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि। मीन लगन मीन राशि के जातकों के लिए यह वीडियो है। आप लगन में पैदा हुए हैं तो भी देख सकते हैं, राशि में तो भी। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को लगन और राशि का लेके। लगन मतलब आप, राशि मतलब आपका मन। लगन प्राइम मिनिस्टर है कुंडली का, राशि के पास सिर्फ एक मिनिस्ट्री है। इसलिए राशि के वनस्पत लगन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप हैं तो संसार में सारी हल चलें, आप महसूस कर सकते हैं आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। या शरीर नहीं है तो संसार की हलचलों का प्रभाव आत्मा पे कितना पड़ेगा उसको आत्मा, जो आत्मा में है वो जाने, लेकिन पड़ता तो शरीर पे है। इसलिए यह वीडियो आपके लगन पे और आपके राशि दोनों पे आप देख सकते हैं। चर्चा आरंभ करें उसके पहले मित्र, चूंकि आप मुक्ति के लगन है, मुक्ति की राशि में है, मुक्त होने के लिए हैं, इसलिए किसी को कुछ रखते नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का शुभ मुहूर्त यही है, श्रावण का मास चल रहा है, अवश्य सब्सक्राइब करिए। गुरु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत अच्छा प्रभाव अभी आपके बर्थ चार्ट पे गुरु महाराज रोहिणी में दे रहे थे, उससे भी ज़्यादा बेहतर प्रभाव आपके मृगशिरा में देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। तो गुरु रोहिणी में जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको मृगशिरा में अप्लाई करेंगे। ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया ना, डिग्री ले ली, अब एग्जाम दे के सफलता प्राप्त करिए, बस ऐसे ही। गुरु आपके बर्थ चार्ट पे आपके कर्मा के स्वामी हैं, गुरु आपके बर्थ चार्ट में आपके लगन के स्वामी हैं, तो कर्म भाव को गति प्रदान करेंगे। गुरु जब मजबूत होंगे तो सदैव याद रखिएगा, अपने तीन नक्षत्रों को मजबूत करेंगे, छह राशियों को मजबूत करेंगे, इसीलिए तो गुरु हैं। लोग अपने एक एक नक्षत्र एक एक राशि में लगा रखे हैं, लेकिन गुरु अपने पुनर्वसु नक्षत्र को आप देखें तो दो राशियों में है, कर्क में है, मिथुन में है। इसका मतलब सुख की वृद्धि करेंगे, संतान का ग्रोथ कराएंगे, प्रेम की प्राप्ति कराएंगे। वहीं पे गुरु का नक्षत्र तुला राशि में और वृश्चिक राशि में है, तो गुप्त तरीके से लाभ देंगे और भाग्य की वृद्धि कराएंगे। वहीं गुरु का तीसरा और अंतिम नक्षत्र आपके व्यय में है और आपके लगन में है, राशि पे है। इसका मतलब आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे और फालतू के खर्चों को रोक देंगे, ये गुरु का प्रभाव होगा। हम बात करेंगे मृगशिरा, मृगशिरा मृग का सिर, हिरण का सिर, शब्द का अर्थ क्या है, हिरण का सिर। हिरण का सिर क्यों कहा गया है, क्योंकि चंचल है, चंचलता का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है, भीरूपन है, थोड़ा सा भ्रमण प्रियता है। बहुत अच्छे पत्रकार होते हैं जिनका मृगशिरा का प्रभाव आ जाए, चूँकि खोजबीन करना, अगल बगल की न्यूज़ से अपडेट रहना इनके नेचर में होता है। आप कोई मृगशिरा वाले को पकड़ लो, आपको अगल बगल की न्यूज़ के लिए कहीं भटकना नहीं है, शाम को उनके साथ बैठ के चाय पीजिए, सारी न्यूज़ आपके घर की न्यूज़ बता देंगे, आपको नहीं पता होगा। ये इनके अंदर खोजी प्रवृत्ति होती है, विषय वस्तु का सार पाने वाले हैं। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, ठीक है। सौंदर्य प्रेमी निश्चित रूप से हैं, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके प्रति आकर्षण है, अच्छा सुनना चाहते हैं। हिरण क्या अच्छा सुनता है, बहेलिया अच्छा संगीत बजाता है, बेचारा फंस जाता है, तो मिथ्याभास है, मृग मारीचिका है, ठीक है ना। मृग तृष्णा भी इस नक्षत्र के साथ है, मतलब चीज़ें खींचती हैं। हमें कभी कभी पता है कि चीज़ें नहीं है लेकिन हमें लगता है नहीं है, मृग मारीचिका क्या है, वही है। मृग फंसा भी देता है, अगर आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखें,
अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखिए तो फिर एक उम्र कटी, रोते रोते तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। महाराजा पांडु को छला, हिरण ने छला। भगवान कृष्ण के स्त्री चरणों में बहेलिया को प्रतिबिंब दिखाता है कि हिरण का मस्तक है और उनके गोलोक धाम जाने का रास्ता भी यही तैयार करता है, तो छले जा सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन पहली चीज़ क्या है कि प्रेम की प्राप्ति हो रही है, पहली चीज़ क्या है आप चौकन्ने हो रहे हैं, पहली चीज़ क्या है कि धनात्मक रूप से आपकी वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि देखो मृग का सिर है भाई, टांग नहीं है, पूंछ नहीं है, चमड़ा नहीं है, सिर बहुमूल्य चीज़ है। ज़्यादातर पहले बड़े महाराजा रखा करते थे, आज भी आप बड़े बड़े जगह प्रतिष्ठानों पर जाएँ तो उसका प्रतिबिंब चित्र बना के रखा जाता है। तो यह सोम का भाई है, मतलब अमृत का भाई कहा गया है इसको, या खोज करने के लिए है, अनुसंधान करने के लिए है। लक्ष्य आपके सामने होगा तो लक्ष्य चूकना नहीं, सफलता मिलेगी। अगर सब लक्ष्य चूकोगे नहीं तो कस्तूरी दे देने का नक्षत्र है, कस्तूरी कुंडल बसे, मतलब आपका जीवन महक जाएगा। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आपको कोई बेहतर साथी मिलेगा। अब साथी का मतलब जीवन साथी भी हो सकता है, साथी का मतलब एक अच्छा मित्र। देखो एक मित्र आपके जीवन में कर्ण जैसा होना चाहिए। पता है आप हार जाओगे, पता है आपने गलत किया है, पता है आप अपमान किए हैं बड़ों का, पता है स्त्री के साथ आपने गलत किया है, लेकिन खड़ा है यार, मित्र हो तो मित्र हो, मारे जाएंगे तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ मारे जाएंगे। एक मित्र भगवान कृष्ण सा होना चाहिए, बोले अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया लेकिन विजय तो मैं दिला ही दूंगा, ठीक है, एन प्रकार। तो दो में से एक मित्र अपने साथ अवश्य रखिए, तो अच्छे मित्र आपको प्रदान किए जाएंगे। इस नक्षत्र में बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, निष्कर्ष निकालने की क्षमता है, परिपक्व धारणा है, नए चीज़ों का खोज करने का, अच्छा लेखन कर सकते हैं, अच्छा संगीत, अच्छा उपन्यास, थोड़ा प्रेममय, कौन सा मय, प्रेममय। विश्लेषण युक्त है, तर्क प्रधान है, अतः कोई चीज़ों को आप विश्लेषण करके समझेंगे। आध्यात्म के मार्ग का पथिक बनाने वाला नक्षत्र, और इंद्रियों को अगर संतुलित नहीं रख सकते तो बाद में दंड देने वाला भी, दंड दिलाने वाला नक्षत्र है। आर्द्रा में ब्रह्मा जी की कहानी पता है ना, पता है आपको, सब पता है, क्या नहीं पता है आपको। तो यह उभय लिंगी नक्षत्र है, इसलिए प्रभाव थोड़ा सा वैसे ही करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो भूमि भवन पथ सेतु निर्माण उपकरण, रोमांटिक गीत उपन्यास, ठीक है, मंडी में व्यवसाय आप करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होंगी। तमोगढ़ी है तो थोड़ा सा व्यर्थ भटकाव देगा, व्यर्थ भटकाव तो आपको मिलेगा। आखेटक नक्षत्र है, ठीक है ना, इसलिए आपको आखेट करने की इच्छा भी होगी। इस नक्षत्र में आप देखें तो लगभग 82% चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन लगभग 18-28% चीज़ें नकारात्मक हैं। एक पंक्ति है संस्कृत में, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी शकतम नहन्नते या सेवते पंच भिरेव पंच सा सकतम किम नहन्नते। इंद्रियों को खींचता है, बहुत स्पीड से खींचता है, तो कृपया जो सीमा रेखा है ना, सीमा रेखा का अतिक्रमण मत करना। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण किया था, उसके बाद कितनी परेशानी उठानी पड़ी। तो कुसंगत का ज्वर भयानक होता है, दोस्ती अच्छी जगह है, आप दोस्ती करिए। यह नक्षत्र जीवन साथी पर संदेह कराता है, तो आप अपने जीवन संगनी पे या जीवन साथी पे संदेह मत करिएगा। प्रॉब्लम से अगर कुछ क्रिएट होती हैं तो दोनों लोग बैठ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, तीसरे को मौका मत दीजिएगा, वरना आंखों के आंसू को पोंछते पोंछते आंखों का काजल पोंछ ले जाएगा। फिर दोस्त की पत्नी दोस्त के साथ रफू चक्कर, तीन बच्चों की माँ रफू चक्कर, चार बच्चों का पिता रफू चक्कर, ऐसी आप पढ़ने को आपको मिलता होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, इन्हीं का भरणी का प्रभाव, इसका प्रभाव, इस तरह की चीज़ें देता है, सिर्फ आपका टारगेट वही होता है, आपकी उसमें गलती नहीं होती। तो कृपया गुरु को मजबूत करके रखिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, अपने गुरु मंत्र का जाप करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। केसर का चंदन मस्तक कंठ नाभि पे लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, नक्षत्र बेहतर लाभ देगा, आर्थिक रूप से सबल होंगे, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि भाग्य के घर पे गुरु की दृष्टि आए और मंगल भी यहीं साथ में रहेंगे। मंगल आपकी कुंडली में धन के कारक है, भाग्य के कारक है। भाग्य फल सर्वदा विद्यालय भाग्य धड़धड़ा के काम करेगा।
तो खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, उपाय करना चीज़ें बेहतर होगा।